राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब देखिए, ये हिबिस्कस की एक और वैरायटी है जिसको देसी वैरायटी भी कहते हैं, परंतु ये नॉर्मल लाल रंग से थोड़ा अलग इसका फ्लावर है। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने इस पौधे को कटिंग से तैयार किया है। अब जब हमने कटिंग लगाई थी तो हमने नॉर्मल गुड़हल के पौधे को ही लगाई थी दोस्तों, लेकिन इसका टेक्स्चर अलग ही तरह का आया है और इसकी पत्तियाँ भी अलग हैं। अब हम जैसा, क्योंकि हमने इसको बाज़ार से नहीं ख़रीदा है और हमने कटिंग ही लगाई थी, और उसके बाद के इसमें इतना म्यूटेशन हुआ है कि जब फ्लावरिंग हुई तो इसमें इस प्रकार के कलर निकले। हालांकि मैं दावे से नहीं कह सकता हूं कि ये म्यूटेशन कैसे हुआ है और किस प्रकार से हुआ, पर हमने इसका पौधा नहीं ख़रीदा था। तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जो यूट्यूब पे जो जानकार हैं, नर्सरी वाले हैं, वो ज़रूर, या और जो साइंटिस्ट बंधु हमारे साथ इसमें हैं, वो ज़रूर इस बात को कंफर्म करें, क्या एक नॉर्मल हिबिस्कस के पौधे से अगर हम कटिंग्स लगाएं, यानी नॉर्मल या लाल वाला पौधा जो है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, और उस पौधे से हम कटिंग लगाएं तो क्या इस तरह से म्यूटेट करके कोई पौधा इतना ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है कि जिसमें लाल की जगह हल्का सा पीला पौधा, और देखिए क्या खूबसूरत सा है, और ये फ्लावरिंग बहुत करता है दोस्तों, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी। हिबिस्कस गुड़हल है और इस ये वैरायटी में कलियां ही कलियां देखिए धीरे निकल रही हैं। ये देखिए, ये पौधा है और इसमें ये कलियां ही निकल रही हैं, देखिए, और कितना खूबसूरत टेक्सचर है इसका। ये अंदर से हल्का सा लाल और एक इसका जो पराग वाला पोर्शन, और ये तीन चार इसमें पंखुड़ियाँ हैं फूल में, और ये इसको देखते ही बनता है, देख सूख गया हुआ। और इस तरह से ये पौधा देखे, हमने यहाँ से कटिंग भी कर दी थी, और ये हमने जब, अब तो एक घर बड़ा हो गया है, इसको मैंने लास्ट ईयर उगाया था, लेकिन ये बात मैं थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में आप लोगों से जानना चाह रहा था, क्या ये किसी कटिंग को इस तरह लगाएं गुड़हल में खास करके, म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, तो क्या उसके पौधे की जो कटिंग से जो फ्लावर बनेगा उसका टेक्सचर कलर इतना बदल जाएगा। तो मित्रों, हम इस पौधे के बारे में आपको बताना चाहते हैं, आप भी इस पौधे की जब कटिंग लगाएंगे, एक गुड़हल में तो हमने खासकर देखा है कि अगर एक पौधा ऐसा है जिसमें कि आपको चार पांच पंखुड़ी वाला फ्लावर निकल रहा है, अगर लेकिन अगर आप उसी के पौधे के दूसरे डाल पे के तीसरे डाल पे देखेंगे तो आपको थोड़ा वेरिएशन मिलेगा। ये एक इंडिविजुअल प्लांट में मैंने देखा, किसी से मैं अगर इस तरह के दोनों निकलेंगे तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो सब चार पंखुड़ियों या पांच पंखुड़ियों, देखिए इसमें एक दो तीन चार पांच पंखुड़ियाँ हैं, इसमें भी पांच हैं, उधर वाले में चार थी, और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है दोस्तों। आप भी अपने गार्डन में, अच्छा इसमें केयरिंग भी बहुत कम है, इसकी पत्तियाँ देखिए थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं, हल्की सी सिकुड़न सी है, और हालांकि पहले तो मैं इसको रोग समझता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने नीम ऑयल बहुत डाला इसमें और भी कीटनाशक भी डाले, परंतु मुझे कहीं कीड़ा दिखा नहीं, और क्योंकि हमारे पौधे सामान्यतः मेरे में मिलीबग वगैरह लगने देते नहीं हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स हम बहुत सारे लेते हैं, खासकर नीम ऑयल का छिड़काव लगातार करते रहते हैं, और अगर मुझे मिलीबग कहीं दिखती है तो हम उससे पहले कि वो अपना आक्रामक रूप दिखाए हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी खूबसूरत पौधे गुड़हल को दोस्तों आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, और ये बहुत ही अच्छा लो मेंट, देखिए आप, देखिए ये हम आपको दिखाएं, इस पत्ती पे मिली बग का थोड़ा सा अटैक है, ये देख रहे ना। अब मैं इस पत्ती को ही तोड़ दूंगा, बाकी और पूरे पेड़ में आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। अब इसमें नीम ऑयल का भी मैं छिड़काव करूँगा, फंगीसाइड का भी छिड़काव करूँगा, तो लगातार पाँच पाँच दिन के अंदर पे छिड़काव करेंगे, तो अगर मिलीबग कहीं आती भी है तो अपने आप चली जाएगी दोस्तों। जनरली हम जो वैज्ञानिक रूप से चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे फंगीसाइड, नीम ऑयल या दवाई बस कर, उसी को हम डाल के सही करते हैं, और अननेसेसरी इसमें इधर उधर की चीज़ें डालकर हम पौधे को तकलीफ़ नहीं देते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। क्योंकि जब दवाएं और आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं और जिनका प्रिपरेशन भी साइंटिफिक रूप से किया गया है, इन सब
तरह के वातावरण में जब विज्ञान बहुत चरम सीमा पर है, तब हम इस छोटी मोटी अलग टाइप के पानियों को या का छिड़काव हम से बचते ही रहते हैं। सीधा सीधा नीम ऑयल छिड़कें आप, और कीटनाशक या अगर आपके पास ऑर्गेनिक कीटनाशक है तो उसको बनाएं, क्योंकि जिनके रिजल्ट पता है और दिखाई देते हैं, उन चीज़ों को छिड़कने और ना छिड़कने से पौधे पे क्या स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या घटता है, हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम कोशिश करते हैं इनको जो भी वैज्ञानिक रूप से चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं पे ही हम केंद्रित रहते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, आप भी इस उसको लगाइए पौधा और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। हार्डी बहुत पौधा है और ये सालों साल चलता है, कटिंग बहुत जल्दी प्रोपगेट होती है। मिट्टी की साधारण मिट्टी में डालिए सड़ी गोबर की खाद और नीम की खली बोन मील और साधारण गार्डन सॉइल, बस इतना ही सब इसमें डाला है। फंगिसाइड और नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें, और अगर बहुत ज़्यादा आपको कीटनाशक कोई ज़्यादा परेशान करे, बवेरिया वाशियाना करके ऑर्गेनिक आता है उसको भी आप डाल सकते हैं, हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के वीडियो और नए नए अपडेट के लिए ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।